कसम से मरीज लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारी जो ये क्लास की आवाम है ना, लेके आना सब्र करो। तो हम सब गेट टुगेदर प्लान किया, ठीक है। तो अब मैंने पूरी क्लास और जो हमारे टीचर थे हम सबको इन्वाइट किया, तो मैं आपको जरा बारी बारी सबसे मिलवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे जो है अहमद हसान भाई बैठे हैं, ठीक है, और ये हमारे जो है फरहानी भाई बैठे हैं, ये हमारे साढ़े झिके चंद्र वाले, इधर इधर झिके चंद्र, ये हमारे रेहान भाई बैठे हैं, ये हमारे गंजेरा भाई बैठे हैं, ये अहमद अली भाई, और अहमद अली भाई हैं यार, ये हमारे जिया शाह भाई, डॉन ऑफ डीपीएस मोहसिन भाई, आप भी इधर देख लेना, आपको तो जानती है, ये हमारे डॉन जो है ना, और ये हमारे अवैध भाई, ना दस यार, मलिक उमर रजा पुराना, अच्छा ये हमारे अवैध साहब, ये राजा काशिफ साहब, ये हमारे हंजला साहब, ये मलक साहब उत्तर लिखा है, ये हमारे अनस महीन साहब, मलक साहब पीरजादा साहब, ये हमारे मलक पीरजादा, सारा कुछ गड़बड़ है, फरानी दोबारा आ गया फरानी, ये हमारे अनस पीरजादा भाई है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना इस वक्त पूरी सारे इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे, गेट टुगेदर है हमारी, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे भाई बैठे हुए माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत भाई हमारे। तो अभी आपको जो है ना, ये हमारे हडाली वाले भाई आ चुके हैं, उदैफा भाई, जनाब अस्सलाम वालेकुम, वो वहाँ फोटो सेशन चल रहा है, ये हमारे सर हमजा साहब माशाल्लाह से, सर अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको मैंने वेलकम किया सर, यस सर, ये हमारे दो टीचर जो है ना वो पहुंच चुके हैं हमारे पास, ये हमारे सर याकूब सर, अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक, ये हमारे सर इमरान मदनी साहब, आपका चैनल बहुत कामयाब होगा, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, ये सारी आवाम जो है ना इस वक्त अंदर शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो है ना खाना खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है वो हो गया, वो देखो जी, वो देखो जेरी साहब, जेरी साहब इधर सलाम लेना, व्लॉगर टू व्लॉगर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है। ये देखें जी आपके जेरी भाई का व्लॉग, आपने कुछ दिन पहले भी देखा है, जेरी भाई भी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, उनकी मलाई बोटी कहनी थी, मलाई बोटी बोल रही थी, बंदे भी तो देखो, ब्लॉग शुरू कर यार, ब्लॉग शुरू कर है, ये देखिए हमारा खाना सर होना शुरू हो चुका है, हमारे सारे बंदे पूरे हो चुके हैं, ये हमारे मेन्यू में मसीह कबाब है, ठीक है, ये हमारा चिकन कढ़ाई आ चुकी है, पहले हम खुद डालें ना जरा, हाँ जी नहीं सबको है ना, यहाँ पे भी ये हमारे एरिया के, वो वहाँ पे ये चिकन कढ़ाई आ चुकी है हमारे लिए, ठीक है, और अभी हम लोग चिकन कढ़ाई खानी है, और साथ हमने सीख कबाब खाने हैं, तो आपसे जो है ना ये रायता शायदा खाना खा के फिर दोबारा मुलाकात करते हैं, अच्छा जी। तो हमारा इस वक्त जो खाना शाना है वो हो चुका है, और ये मैं और अहमसान भाई बैठे हैं, हाँ जी अहमसान भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मौके पर, खाने के बाद जरा खामोश रहे, ये भाई का ना थोड़ा वैसे भी, वैसे भी मैं इनको काटना चाहूंगा, जो मैं बात करूँ ये व्लॉग में डालते नहीं, काट देते हैं, इसलिए बोलने का फायदा नहीं है, मैं समझ चुका हूँ ये बात, अच्छा हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, और ये सारी आवाम खाना खाने के बाद बैठी है बाहर जा रही फोटो सेशन के लिए, तो खाना हो चुका है, ठीक है, ये सारी आवाम अब उठ चुकी है बाहर जाने के लिए, मेरी बात सुने हम सबसे पहले कि ये जो उसकी तरफ जूम करे वो इंतहाई फजूल घटिया आदमी, ये यार इसको इसमें स्पेशल जूम, ये हमारे यहां पे इधर जूम मार, स्पेशल स्पेशल जूम, स्पेशल जूम, बिल्कुल आओ सर एक फोटो बना ले, ये हमारे सारे टीचर जो है आखिरी गेट, और तू एक तो दो दिन बाद जड़ा है, मैंने यार
कहना चाहेंगे सर इस मौके पे? सर थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बैठ के पार्टी इंजॉय करके, और मेरी जो दुआएं हैं बेस्ट विशेज हैं वो आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, खुश रखे, ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे और इसी तरह आपस में इत्तेफाक में रहें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। उनकी भी अल्फाज लें सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी माशाल्लाह, सेकंड ईयर B2 की यादें जो है ना, ये हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। इंतहाई नफीस क्लास, इंतहाई प्यारे बच्चे, थैंक यू माशाल्लाह, जिंदाबाद आबाद रहे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी, आप तो माशाल्लाह सर कुछ कह ही दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि जो DPS की जितनी क्लासेस को मैं पढ़ा रहा था, मैं ये बात बिला मुबालगा कोई तारीफ नहीं है कि इंतहाई जो थी मुहज़्ज़ब और मुअद्दब क्लास थी। शुक्रिया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया के अंदर खैर बरकत अता फरमाए और दुनिया और आखिरत के अंदर हर किस्म की कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आप उधर बेचारे की ड्यूटी लगी हुई यार, फोटो इस बंदे ने बहुत फोटोज बनाई है, भेजता किसी को भी नहीं, बहुत मनहूस आदमी है ये सारी आवाम खड़ी है फोटोग्राफी के लिए। गाइस तो मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा कि मैं तो चलो आपके साथ हूँ, मैं तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लें, तो मैंने सोचा कि ये जो हमारी सारी क्लास है पता नहीं हम साथ कौन कौन रहता है कौन कौन नहीं रहता, तो सबके एक बार आखिरी अल्फाज या मतलब जो भी है मतलब कुछ कहना चाहें इस वीडियोज के लिए या अपने चैनल के लिए या आप लोगों के लिए, तो ज़रूर हम एक बार सुनते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मलक साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गैदरिंग होगी, ओवरऑल कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अब आखिरी टाइम है तो इस वक्त कुछ भी कह। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा DPS में, और अपने आज भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ मिल के इस तरह बैठे मिले, बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा। अरुण गंजेरा भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ा मज़ा आया है आज, ऐत चासी लेकिन लगे मैंने वत पत्नी, हम फिर मिलें या ना मिलें इंशाल्लाह, दिल बड़ा उदास है। अनस चौधरी साहब भाई आप बहुत याद आए हमें, हमने थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा यादें बना ली हैं और बहुत याद आओगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनाल हम कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मेरा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर मैंने इनके साथ गुजारी है, सारे बच्चे बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। ठीक है, तो बहुत इन्जॉय किया हमने, बड़ी अच्छी क्लास थी, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। अजमत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहें सारे, खुश आबाद रहें और मिलते रहें ऐसे, और सारों के लिए दुआएं करते रहें। जहरी साहब आप, उज़ैर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले बस ये थोड़ा सा, और आप जनाब? सबको कामयाब करे बस जनाब। तो बहुत शुक्रिया कासमी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कुछ अर्से पहले एक वीडियो लगाई थी कि नेक्स्ट व्लॉग जो होंगे ना वो पंजाबी में आएंगे, हाँ जी, तो वो कब आ रहे हैं? वो तो मसला ये कि जो व्लॉग था वो हमारा एक स्कूल का चला गया, ये भी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, तो मैंने कहा इसके बाद पंजाबी थोड़ा फ्लो में आएगी। टीचर्स ने कोई मना नहीं किया, वो भाई उज़ैर भी बना रहे हैं पंजाबी, टीचर्स मना नहीं किया। नहीं नहीं हम थोड़ा इसके बाद पंजाबी में आएंगे। ठीक है बस भाई मैं यही कहूँगा, मैं दो साल पहले DPS में आया था, इन सब भाइयों से मुलाकात हुई, आज हमारी लास्ट गेट टुगेदर थी। तो हमदर कासमी साहब अल्लाह आपका बहुत कामयाब करे, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इखलाक वाले हैं, हमारी पहले इतनी सलाम तो नहीं लेकिन कॉलेज में आके माशाल्लाह इन सब बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, अल्लाह पाक आप सबको सलाम तो रखे। फरहानी साहब तू सब कुछ आखना चाहते हो? फरहानी साहब मैं क्या आखना हूं, कुछ अच्छा को पैगाम दे चा, जिक्के चंद दरवाजे नहीं यार, कोई पैगाम दे यार, मन नहीं आता पैगाम नहीं आता, कुछ कर दे, कुछ कर दे। मैं आखना चाहना कि मेरे बेलियां संगियों इस पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा सारे दा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होया दोस्तों यारों नाल, चार साल DPS से गुजारे माशाल्लाह, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
माशाल्लाह दिल नामीद ही नहीं नाकामी तो है लंबी है काम की चाल लेकिन चाल तो है माशाल्लाह सब दोस्त और अहमद अली भाई आप जी सर कुछ कहना चाहेंगे जी बिल्कुल बड़ा अच्छे रहे ये दो साल सबके साथ बहुत मजे दिए खास तौर पे सेकंड ईयर में हमारे तासमी साहब और ये हम चारों तरफ माशाल्लाह ग्रुप है और भी मतलब हमारा क्लास ये तो पहले दिन बहुत मजा आया सबके साथ बोल बोल ये हमारे दो साल बहुत अच्छे गुजरे मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह माशाल्लाह ऐनक पहन के बताएं जी क्या बोलना चाहेंगे बहुत 2017 में एडमिशन डीपीएस में लिया लेकिन बहुत सारे दोस्त चले गए जब से कॉलेज में बहुत सारे नए दोस्त लेकिन इनके साथ जो बॉन्ड बना मेरे निकाल को स्कूल के दोस्तों के साथ बना और अब मैं जेन्युइनली फेयरवेल पे तो इमोशनल नहीं हुआ लेकिन आज मुझे इमोशनल हो रहा हूँ हल्का फुल्का बाकी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने एम से कामयाब करे और पार्टी का बहुत मजा आया ये अच्छा एक इनिशिएटिव हमने लिया जगदम बैठे बैठे के करा दें बाकी अल्लाह पाक खैर करे सब खुश रहे आबाद रहे जी मलक साहब अहमद हसन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे मैं क्या फरमाना मैं कुछ नहीं फरमाना कुछ कह दे यार हमारे चैनल के लिए शर्फ हो गई आपको बोलना बस नहीं की हम लोग इसकी वैल्यू काफी अंडरमाइन करते हैं हम इसको अंडर वैल्यू देते हैं मतलब हम कहते हैं कि इनका मतलब नहीं जो चीज है ना सारा पैसा जो है ना मेमोरी से चलो ठीक है बस और कुछ खुद ही कह देते चलो ठीक है जनाब आप रह गए फोटो बना रहा था अच्छा भाई तमाम भाइयों को बहुत शुक्रिया ठीक है बहुत अच्छा वक्त गुजरा आप भाइयों के साथ अल्लाह साहब को खुश रखे अहमद हसन भाई के अल्फाज हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे जी बोलें जी दोबारा सर सर एक्चुअली बड़ा सडन प्लान था बहुत अच्छा प्लान था ऊंचा थोड़ा सा प्लीज माइक नहीं हमारे पास इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं इन्हीं में मजा आता है सारे दोस्त इकट्ठे हुए टीचर्स को भी एक हमने अच्छा सा फेयरवेल दिया बड़ा अच्छा लगा इधर आकर और ऐसी गैदरिंग जो है ना ये करनी चाहिए बस यही अल्फाज शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया सर अहमद हसन भाई ने हमें अपना टाइम दिया इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनके अल्फाज के लिए मतलब और ये गार्ड गार्ड को लेके जाओ यार इसको सारी आवाम अब रुखसत हो रही है बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले ससुराल में इतना प्यार मिले माशाल्लाह जाएं ससुराल जाएं जी ए मर गए इधर ही पड़ा थे मलक साहब को मिलो यार जी ना भाईजान को थोड़ा सा कसम से मरीज लग रहा है जनाब 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 आओ ठीक है मिलो यार मुझे बहुत दुख हो रहा है यार अहमसान भाई ठीक है यार मिलो यार नहीं ठीक है जी ये बड़ा लांदी इंसान है तस्वीरें नहीं नहीं मैं ठीक ये देखें जी सारे जा रहे हैं और मैं और अहमद हसन बैठे हैं इधर अभी हमने कहा हमारा दिल नहीं कर अभी घर जाने का मैं और अहमद हसन इधर बैठ रहे थे फिर हमने कहा नहीं भाई मौसम के बगैर बैठने का तो फ़ायदा नहीं फिर हमने उसको कहा रुकने का तो उसने कहा कि मेरे साथ दो लड़के हैं तो फिर उनको भी मैंने छोड़ना फिर हमने कहा उनको छोड़ के हम फिर के बैठेंगे ये अब सारे जो है ना सब जा रहे हैं जी और हेलमेट उतार दे यार फिर हेलमेट याद रह जाने तेरा ठीक है हो गया मतलब गाइस मेरे व्लॉग है जारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें इस वक्त हम लोग दावत शावत खत्म होने के बाद हम जो है ना चारों दोस्त इस वक्त इधर बैठे हुए हमने कहा कि बोतल शोतल पीते हैं और बात शादी करते हैं फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे मोहसिन भाई बोतल पिला रहे हैं माशाल्लाह से बस मैं नहीं पिलानी और ये भाई बोतल लेके आए मैं और अहमद हसन भाई बोतल पी रहे हैं ये हम हैं ये हमारी बोतल है ये हमारी पार्टी हो रही सबसे पहले आपने बोतल पीनी सबसे पहले झूला तोड़ना फिर बोतल पीनी माशाल्लाह सर्विंग भी मोहसिन भाई कर रहे हैं मोहसिन है बोतल इंच पहले पता नहीं जरूरी कम पता नहीं कितना जरूरी कम है पार्टी शार्टी खत्म हो गई थी तो फिर मैं मेरे दोस्त जो थे अहमद हसन को मैंने कहा था मुझे छोड़ते जाओ घर तो फिर वो घर छोड़ते जा रहे थे फिर हमारा ये वाला जो घर आपको पता है ये खुला पड़ा हुआ था तो मैंने कहा इधर मैं थोड़ा विजिट करता जाऊं कि क्या इसके हालात हैं क्योंकि ये आपको पता है कभी शुरू हो जाता है कभी रुक जाता है तो इसके मैं हालात मैंने कहा देखते हैं क्या है फिर इधर रुका थोड़ी देर फिर मैंने कहा मैं घर जाता हूं पैदल घर जा रहा हूं तो मैंने कहा व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियोज़ मेरी पसंद आई होंगी तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।